नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे जो कि है हाउ प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर रिलेटेड और प्रूव दैट प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर रिलेटेड। तो आंसर देखते हैं कि प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर टू सेपरेट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट येट दे आर क्लोजली रिलेटेड। विदाउट द बेसिस ऑफ प्लानिंग controlling activities become baseless and without controlling planning becomes a meaningless exercise। मतलब कि planning और controlling management के दो अलग अलग function होके भी बहुत तह तक जुड़े हुए हैं। अगर ठीक से planning ना किया जाए तो controlling activities का कोई मतलब ही नहीं होगा, और यदि controlling ना करना हो तो planning तो एक meaningless exercise है, करके कोई फायदा ही नहीं। activities are put on rails by planning and they are kept at right place through controlling। मतलब कि काम को शुरू किया जाता है, पटरी पर लाया जाता है प्लानिंग से, और वो सही दिशा में जाए, सही जगह पर रहे, उसका ख्याल रखा जाता है कंट्रोलिंग से। द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग वर्क्स ऑन सिस्टम अप्रोच विच इज एज फॉलोज। प्लानिंग देन रिजल्ट्स देन करेक्टिव एक्शन। मतलब कि प्लानिंग और कंट्रोलिंग का जो प्रोसेस है वो सिस्टम अप्रोच पे काम करता है, जो कि है पहले आप प्लान करो कैसे करना है, उसके बाद देखो रिजल्ट्स क्या आ रहा है, और उसके बाद अगर रिजल्ट्स सेटिस्फैक्ट्री ना हो या सेटिस्फैक्ट्री हो भी तो भी करेक्टिव एक्शन। इन द प्रेजेंट डे एनवायरमेंट इट इज क्वाइट लाइकली दैट प्लानिंग फेल्स ड्यू टू सम अनफोर्सीन इवेंट्स। तो आजकल के जमाने में ऐसा हो ही सकता है कि आपका प्लानिंग जो है फेल हो गया कुछ ऐसा चीज की वजह से जो आपने पहले नहीं सोचा था। देयर कंट्रोलिंग कम्स टू द रेस्क्यू। वहां पे जो कंट्रोलिंग है वो काम आता है। वंस कंट्रोलिंग इज डन इफेक्टिवली इट गिव्स अस स्टिमुलस टू मेक बेटर प्लान्स। एक बार कंट्रोलिंग ठीक से कर दिया जाता है तो हमें साहस मिलता है अच्छे प्लान बनाने का, अच्छे प्लान बनाने के लिए हम कार्यरत होते हैं। देयरफॉर प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर इन सेपरेट फंक्शंस ऑफ अ बिजनेस इंटरप्राइज। मतलब एक बिजनेस इंटरप्राइज में प्लानिंग और कंट्रोलिंग जो है करना ही पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो सिर्फ रिविजन के लिए था। आपको एक बार किताब में जाना पड़ेगा और कुछ न्यूमेरिकल्स बनाने पड़ेंगे, तब ये फॉर्मूला आपके दिमाग में सॉलिडिफाई होंगे। रिवाइज करने के लिए आप यहाँ फिर लौट सकते ही हैं। और यदि आप एक मैकेनिकल इंजीनियर है या आपके सिलेबस में फ्लूइड थर्मो ये सब है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मैं फॉर्मूला रिवीजन वीडियो बनाता हूँ, और भी कुछ कंटेंट है जो आपके लिए काम आ सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।